हाय गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम जानेंगे कि सीमॉस बैटरी के खराब हो जाने पर हमारा सिस्टम कौन कौन से प्रॉब्लम हमें देता है। गाइस, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके सिस्टम का सीमॉस बैटरी अगर खराब हो गया है तो आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम को वो चेंज कर देगा। सेकेंड रीजन, हो सकता है कि आपके सिस्टम का वो चलने में स्लो कर दे, मतलब आप जब सिस्टम को रन कर रहे हो तो आपका सिस्टम स्लो हो, वो काम करने में धीमा हो, इस प्रकार से इफेक्ट आपको दिखा सकता है। थर्ड रीजन, हो सकता है आपके सिस्टम को बूट ही ना होने दे। जी हाँ गाइस, आपके सिस्टम को वो बूट ही ना होने दे, ये भी हो सकता है। और चौथा रीजन, हो सकता है आपके सिस्टम को बार बार रीस्टार्ट प्रॉब्लम दे। और पांचवा रीजन, आपका सिस्टम को हो सकता है एक बार चलते चलते अचानक से बंद कर दे, और ये भी हो सकता है कि उसके बाद जल्दी से आपका सिस्टम स्टार्ट ना हो, आराम से कुछ देर बाद में स्टार्ट हो। तो इस प्रकार से आपका सीमॉस बैटरी खराब हो जाने के बाद में या फिर डाउन हो जाने के बाद में इस प्रकार का इफेक्ट दिखाता है। गाइस, आज हम जानेंगे कि सीमॉस बैटरी को हम कैसे सिस्टम में चेंज करते हैं। तो चलिए गाइस, इसे हम प्रैक्टिकल समझते हैं कि किस प्रकार सीमॉस बैटरी को हम चेंज करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, सीमॉस बैटरी को चेंज करने के लिए आप सबसे पहले इनके पावर केबल के कनेक्शन को सभी कनेक्शन निकाल लीजिए। सभी कनेक्शन निकल जाने के बाद में आप सेल्फ मोड में आ जाते हैं, मतलब आप इस पर सही ढंग से काम कर सकते हैं जिसमें आपको करंट का कोई डर नहीं रहता। इसके बाद में आप अपने सिस्टम को ओपन करेंगे। ओपन हो जाने के बाद में आपका सिस्टम कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। गाइस, आज हम जानेंगे कि सीमॉस बैटरी को हम कैसे चेंज करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप कुछ पतली नुकीली चीज से, मान लीजिए जैसे टेस्टर होता है, आप इस नुकीली चीज से सीमॉस बैटरी को आसानी से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इसका सीमॉस बैटरी है जिसके कारण आपके सिस्टम स्लो चलता है या फिर उसका डेट एंड टाइम चेंज हो जाता है इसके खराब होने पर। वैसे तो और भी कई रीजन है, हो सकता है रिस्टार्ट प्रॉब्लम ही दे दे, या फिर हो सकता है सिस्टम को बैठा ही दे, दोबारा चलने लायक ही ना रखे। तो इसे आपको चेंज करने के लिए आप इसके सीमॉस बैटरी को इस पॉइंट पर प्रेस करेंगे और सीमॉस बैटरी को निकाल लेंगे। यह आपका सीमॉस बैटरी है। इसमें ये 3 वोल्ट का होता है, CR2032 प्लस में आपका सीमॉस बैटरी होता है। इसके बाद में आप एक नया बैटरी लें। ये सीमॉस बैटरी कोई ज्यादा महंगा तो आता नहीं है, मार्केट में 20-30 रुपए में ऐसे मिल जाता है। आप इसे लेकर घर में ही अपने सिस्टम को रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद में आपको इस सीमॉस बैटरी को इस प्रकार से ऐसे लगा लेना है। लगा देने के बाद में और आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप अपने सिस्टम को पैक कर लीजिए। Thank you.
इसके बाद आप इसके सभी कनेक्शन को लगा लें। सभी कनेक्शन लग जाने के बाद में आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करके देख लें और थोड़ी देर चेक करने के बाद में आपका सिस्टम सही है। उम्मीद है गाइस वीडियो देख के आप आसानी से समझ पाए होंगे कि किस प्रकार हम सीमॉस बैटरी को ठीक कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी हार्डवेयर इंजीनियर के पास जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप मार्केट से 20 से 30 रुपए में ये बैटरी लाकर 3 वोल्ट की ये बैटरी ला करके अपने सिस्टम को घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो में पार्ट 4 में हम और बताएंगे आपको कि रिस्टार्ट किस कारण से होता है। तब तक आप वेट करिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।